हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड डेज फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड फिफ्थ सेम, जो आपका यूनिट वन चल रहा था उसका लेक्चर फिफ्थ है। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक रह गया आपका यूनिट वन का, स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी यूनिट वन जो है वो कंप्लीट हो गई है, लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने स्टडी किया था, मैंने आपको जैसे बताया था यूनिट वन में आपके तीन पाथवे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिडिक मेवलेंट पाथवे एंड एमिनो एसिड पाथवे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला टॉपिक भी रहेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पूछते हैं लेकिन इससे मेन जो रहता है वो ट्रेसर टेक्निक पूछी जाती है, लेकिन उन पाथवे में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, अगर हम मास की बात करें, जैसे आप मैंने दो एग्जांपल दे रखे हैं, हाइड्रोजन का दे रखा है, एक कार्बन का दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें एटॉमिक मास की और एटॉमिक नंबर की, ठीक है, जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे नंबर है नीचे जो होता है, और ये वाला कौन सा होता है, हमारा एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, जिन कंपाउंड है, जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो क्या है डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, और जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो कंपाउंड है, जो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, वो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स। एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का लिया है, यहाँ पर हमने कार्बन का लिया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो फर्स्ट रहता है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड सेकंड रहता है हमारा स्टेबल आइसोटोप्स। तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की बात करें जिसके हमें स्टडी करनी है इस पाथवे में। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब वो कंपाउंड्स या एटम्स जिसमें से रेडिएशन एमिट होती है। ये आइसोटोप्स कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, एमिशन को एमिट करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं, वो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ये कंपाउंड के एटम्स जो होते हैं अनस्टेबल एटम्स होते हैं, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये रेडिएशन को एमिट करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपने सुने भी होंगे, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन C14 सल्फर 35 आयोडीन 131 एंड सोडियम 32। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके, हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। नेक्स्ट आता है हमारे स्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स कौन से होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, तो ये रेडिएशन को एमिट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है। तो इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन 2, कार्बन 13, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 18। लेकिन इस स्टडी में हम क्या यूज कर रहे हैं, अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की स्टडी कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्टडी क्यों कर रहे हैं, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हमें स्टडी क्यों करनी पड़ रही है। जैसे कि हम टॉपिक की बात करें कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज, मतलब प्लांट में हम अपने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की स्टडी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जो भी हमारे प्लांट में प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि अब तक आपने पढ़ा हमारे तीन पाथवे से मैंने अभी स्टडी किया था। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल, जैसे हमने सिग्मिक एसिड पाथवे में पढ़ा था, ठीक है, अगर हम बात करें सिग्मिक एसिड पाथवे की, तो सिग्मिक एसिड पाथवे में हमारे दो प्रोडक्ट थे, ठीक है, पीपीपी और इथ्रोस 4 फॉस्फेट। ठीक है, इथ्रोस 4 फॉस्फेट, इनको मिलके क्या बन रहा था, हमारा सिग्मिक एसिड बन रहा था, और सिग्मिक एसिड से हमें तीन अमीनो एसिड मिल रहे थे, एरोमेटिक अमीनो एसिड। कौन कौन से हमारे, फिनाइल एलानिन, ठीक है, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन। ठीक है, ये हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन है वो किसमें हो रहा है, पाथवे स्टार्ट किसमें हो रहा है, हमारे प्लांट में चल रहा है।
क्लियर है। तो अब हम पे क्या प्रूव है कि ये पाथवे जो है वो सही है, मतलब ट्रिप्टोफान जो हमें प्लांट से मिला है वो इन्हीं दोनों प्रोडक्ट से मिलकर बना है। हम आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई वैलिडेशन है? हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं। हमने क्या करा, बुक से स्टडी कर लिया तो हमें पता चल गया कि ट्रिप्टोफान फेनिलएलनिन जो है वो सिक्मिक एसिड से बन रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट में ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी और पाथवे से तो नहीं बन रहे? ठीक है, तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब इस टेक्निक में होता क्या है, ठीक है, इसमें हम अपना टेक्निक्स की बात करते हैं, कैसे करते हैं। टेक्निक्स होती हैं, इसमें हमारी 5 टेक्निक दे रखी हैं, ठीक है, ट्रेसर टेक्निक, ग्राफ्टिंग मेथड, यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स, यूज ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यूज एंड एंजाइमेटिक स्टडीज। ठीक है, तो ये 5 टेक्निक्स दे रखी हैं, इसमें से आपको एक ही टेक्निक स्टडी करनी है, वो आपको पढ़नी है इसमें ट्रेसर टेक्निक, जो ही एग्जाम में पूछी जाती है, NIFA सिलेबस में भी ट्रेसर टेक्निक ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ट्रेसर टेक्निक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसर। ट्रेसर से हम सब समझ में आ रहा होगा, ट्रेसर क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को ट्रेस करना। ठीक है, अगर आपको किसी भी, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए किसी बंदे का या किसी पर्सन का आपको पीछा करना है या उसको उसका किसी चीज के बारे में पता लगाना है तो आप उसको ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेस कैसे करेंगे आप उसको, GPS के थ्रू ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ पे GPS का जो काम करेगा वो कौन करेगा, हमारा GPS का काम रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, हमें भी क्या करना है, इन कंपाउंड्स को क्या करना है, ट्रेस करना है। तो इन ट्रेस का कौन करने में हेल्प करेगा, हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से ही जो हमारे प्लांट में हमारे जो पाथवे चल रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, वो किस पाथवे से बन रहे हैं उसको हमें ट्रेस करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। तो इसे ही बोलते हैं हम ट्रेसर टेक्निक। क्लियर, तो वही हमने बताया यहाँ पे। सबसे पहला था रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। सबसे पहले हमें रेडियो लेबल्ड कंपाउंड की क्या करनी है, फॉर्मेशन करना है। रेडियो लेबल कंपाउंड मतलब क्या हो गया, वो कंपाउंड जिसमें हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है। सपोज करिए ये सिग्मिक एसिड पाथवे है, इसमें हमने इथ्रोस-4 फॉस्फेट के कार्बन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, C14 से। क्लियर है, इथ्रोस-4 फॉस्फेट के कार्बन को हमने C14 कार्बन से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, रेडियो एक्टिव कंपाउंड। दिस इज द रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। तो रेडियो लेबल्ड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इंसर्ट किया जाता है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारे केवल कार्बन ही नहीं होते, इसमें केमिकल्स जो होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर, आयोडीन, सोडियम, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मतलब जो भी उसमें कंपाउंड में एटम अवेलेबल है उसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा हो जाता है, रेडियो लेबल कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये आता है ट्रेसर टेक्निक में, सबसे पहले हमने क्या बनाया, रेडियो लेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियो लेबल कंपाउंड बन गया, उसमें हमने आइसोटोप को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट टेक्निक्स ये रखी हैं कि किस किस केमिकल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन कौन से एटम का यूज करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट हो गया ग्लाइकोसाइड। मान लीजिए हमें प्लांट से ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे ये हमारा एग्जांपल थे अमीनो एसिड के। क्लियर है, अगर हमें प्लांट से क्या लेने हैं, हमें ग्लाइकोसाइड लेने हैं, तो उसमें हम कौन से एटम को रिप्लेस कर सकते हैं रेडियोएक्टिव कंपाउंड से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स में ऑक्सीजन एटम भी होगा, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन एटम, मतलब जो जो एटम उस केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है उसी को हम आइसोटोप से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है फॉर प्रोटीन, एल्कलॉइड एंड अमीनो एसिड। अगर हम बात करें प्रोटीन, एल्कलॉइड, अमीनो एसिड के लिए, हम नाइट्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड का मैंने बताया भी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। टर्बिनॉइड्स के लिए हम ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेसर टेक्निक का सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि हमें रेडियो लेबल कंपाउंड बनाना है, वो कंपाउंड में पहले हमें अपने कार्बन को या फिर कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है पहले हमें इंसर्ट कराना है, उसको रिप्लेस करना है, तो वो हमारा कौन सा होगा, रेडियो लेबल कंपाउंड। क्लियर है, अब यहाँ पे हम स्टेप्स की बात करें तो हमारा ये स्टेप दे रखे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम ट्रेसर टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें, सबसे पहला रहता है सिलेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप। सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमें रेडियो आइसोटोप को सिलेक्शन करना है। तो हम सिलेक्शन किस बेसिस पर करते हैं, हमारा सिलेक्शन रहेगा वो रहता है लॉन्ग हाफ लाइफ के बेसिस पर। ठीक है, जिसकी भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हमारी हाफ लाइफ जो है लंबी है उसको बेसिस पे, हमारा कार्बन 14 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो इनका क्या है, लॉन्ग हाफ लाइफ है, जिनकी आइसोटोप की हाफ लाइफ लंबी होती है उसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ द रेडियो आइसोटोप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पर हम आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो हमारा रेडियोएक्टिव आइसोटोप कंपाउंड है वो कैसे बनाया जाएगा,
यहाँ पे तीन मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट हमारा दे रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर मेथड, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब इसमें क्या होता है, बम्बार्डिंग की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की जाती है जिससे वो कंपाउंड जो है वो रेडियो लेबल हो जाता है। सेकेंड दे रखा है हाइड्रोजन लेबलिंग अकर्स बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्राइटियम गैस। अगर हमें H3 कंपाउंड की लेबलिंग करनी है, मतलब हमें हाइड्रोजन थ्री जो है, हाइड्रोजन H3 जो है, ठीक है, इसको बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ट्राइटेनियम गैस का हाइड्रोजनेशन करा देंगे जिससे हमारा क्या बन जाएगा, H3 बन जाएगा। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ग्रोइंग क्लोरेला इन द एटमॉस्फेयर 14 CO2। क्लोरेला क्या हो गया, एक हमारे ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। ग्रोइंग क्लोरेला इन एटमॉस्फेयर 14 CO2। इसमें क्या करते हैं हम क्लोरेला को, क्लोरेला क्या है, ग्रीन एल्गी है, तो इसको हम कार्बन 14 CO2 में हम ग्रोथ करवाएंगे जिससे जो है आइसोटोप जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियो लेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। सबसे पहले हमने क्या करा, रेडियो लेबल कंपाउंड को सिलेक्शन किया, देन उसके बाद उसको क्या करा, उसको लेबल किया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लेबल्ड कंपाउंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेबल्ड कंपाउंड को क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो उसके इनकॉर्पोरेशन के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट टेक्निक आता है रूट फीडिंग। रूट फीडिंग मतलब क्या होता है, रूट से हम उसको फीड करा रहे हैं, सिंपल हमारा जो भी सॉल्वेंट रहेगा उसमें अपने आइसोटोप को डाल दिया एंड देन उसके बाद उसको क्या करता है, रूट फीडिंग कराए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रहता है हमारा स्टेम फीडिंग। स्टेम फीडिंग में क्या होता है कि हमने स्टेम लिया, ठीक है, हॉलो स्टेम रहता है, उसमें इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया, अपने आइसोटोप को इंसर्ट कर दिया। थर्ड रहता है डायरेक्ट इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, हमने डायरेक्ट अपने प्लांट में या फिर स्टेम में या फिर किसी भी पार्ट में उसको इंजेक्ट करा सकते हैं आइसोटोप को। एंड फोर्थ रहता है स्प्रे टेक्निक। स्प्रेयर की हेल्प से या स्प्रे कर दिया हमने लीव्स के ऊपर, फिर उसकी लीव्स की सरफेस जो होती है आइसोटोप को क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लेबल्ड कंपाउंड। इस तरह से हमने अपने लेबल कंपाउंड को कर दिया, प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो है फाइटो कंस्टिट्यूएंट है, उसको क्या करेंगे, हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, अपने लेबल्ड कंपाउंड को करेंगे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द लेबल्ड कंपाउंड, ठीक है। सेपरेशन कैसे करते हैं, सेपरेशन किस मेथड से होगा, एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो ये आपकी डिटेक्शन की टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू क्या करेंगे, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, केवल उनके नेम याद रखने। इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, NMR हो गया, मास हो गया, इसमें जैसे अपने सैंपल को इंसर्ट कराएंगे और उसमें अपने आप इंडिकेशन देता है कि उसमें आइसोटोप प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम टेसर टेक्निक को अप्लाई करते हैं। अब ये देखते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। सपोज करिए हमने क्या करा, इथ्रोस-4-फॉस्फेट सिक्मिक एसिड पाथवे में हमने क्या करा, हमारा कोई प्लांट या ड्रग है, हमें उसमें से क्या मिला, हमें एरोमेटिक अमीनो एसिड हमने एक्सट्रैक्ट आउट करे, ठीक है। हमारे पास ट्रिप्टोफन आया, ठीक है। तो हमने क्या करा था, उससे पहले हमने जो इथ्रोस-4-फॉस्फेट है, इथ्रोस-4-फॉस्फेट के कार्बन को हमने C14 कार्बन से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे एक प्लांट है, प्लांट के हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, रूट में हमने नाइट्रोजन डाल दिया और स्टेम में ऑक्सीजन डाल दिया, लीव्स में हमने कार्बन डाल दिया, ठीक है। तो ये कार्बन को हमने इथ्रोस-4-फॉस्फेट के कार्बन को हमने आइसोटोप C14 कार्बन से क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे एंड देन डिटेक्शन करेंगे जब, तो हमारे पास जो अमीनो एसिड आया है, अगर इसमें C14 कार्बन प्रेजेंट रहता है, इसका मतलब ये इसी पाथवे से बन के आया है। अगर इसमें कार्बन-14 नहीं है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसी और पाथवे से बन के आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा सिग्निफिकेंस है इस पाथवे का या रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का, कि इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट से मिलकर आ रहे हैं, बनके आ रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हमारे प्लांट से बनके आ रहे हैं, वो सही पाथवे से आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यूनिट 1 जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो मैं आपका यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। और इसके जो PDF नोट्स हैं वो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक लिए गुड।